उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हसनपुर ब्लॉक के कई गांव में जाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नुक्कड़ सभा की, जिसमें किसानों की समस्याओं व देश में चल रही सीएए और एनआरसी के बारे में भी चर्चा की गई। नुक्कड़ सभा में सीएए को काला कानून बताते हुए जमकर विरोध किया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी सभी जनपदों में नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को जागरूक करने में लगी है। अमरोहा में कार्यक्रम के जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया समेत कई नेताओं ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे किसान जन जागरूकता अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की और कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी से कार्यकर्ता किसान मांग पत्र गांव-गांव जाकर भरवाने का काम करेंगे। इसके बाद 17 फरवरी को प्रत्येक ब्लॉक क्षेत्र में 2 नुक्कड़ सभा कराने का काम किया जाएगा और 25 फरवरी को किसानों की समस्याएं लेकर क्षेत्र के विधायक को व 28 फरवरी को क्षेत्र के सांसद से किसानों की समस्याएं लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर कांग्रेसियों गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रविदास जयंती भी मनाई गई और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। सबसे पहले खिलाफत का ऐलान किया और उसमें हजरत मोहानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन कौन सामने आए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जमीयत उलमा हिंद के जो उस जमाने के सदर थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, वो गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने, माल्टा जेल में रखा, उन पर बड़ा जुल्म और सितम किया और पूरी जमीयत ने बराबर की लड़ाई लड़ी। जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, 1.25 लाख के करीब उलमा लोग जो थे जमीयत उलमा के, वो शहीद किए गए और पेड़ों पर टांगे गए। तो दोस्तों, मैं आज इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आज जो लोग ये कहते हैं, जो आज की मौजूदा सरकार ये जो सीए की बात करती है, एनआरसी की बात करती है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क की आजादी के अंदर सबसे पहला बुगुल जो बजाया माइनॉरिटी के लोग, जो आज हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में कहलाते हैं, उन्होंने बजाया। और उसमें महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब, इनका नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था, इन्हें महात्मा का खिताब भी जमीयत उलमाए हिंद ने दिया है। ये आपको बता दूंगे, नोट करने की बात है, यहाँ प्रेस के लोग हो तो नोट करें इस बात को मेरी, कि महात्मा गांधी जी को, इनका नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था और अफ्रीका की लड़ाई लड़ रहे थे। अफ्रीका के अंदर काले गोरों की लड़ाई के अंदर इनके साथ बड़ी बेइज्जती की गई थी, ट्रेन से भी बात को फेंका गया था। उसके बाद जब हिंदुस्तान आए तो ये जमीयत उलमा के लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसान जन जागरण अभियान के तहत ये हसनपुर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की मीटिंग संपन्न हुई। कांग्रेस पार्टी ने किसानों की दुर्दशा पर, बेबसी पर सरकार से कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ मांगे उठाई हैं और वो मांगे इस प्रकार है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि किसान का कर्जा माफ हो और बिजली का बिल हाफ, गांव-गांव में गौशाला बने, पन्ना रखवाली का भत्ता दो, गन्ने का पूरा भुगतान हो और नया दाम 400 रुपये हो, धान खरीद हाथों हाथ हो और प्रति क्विंटल धान का दाम 2500 रुपये 2500 रुपये हो, सूखा ओला बारिश की मार तुरंत मुआवजा दे सरकार, गेहूं खरीद हाथों हाथ हो और प्रति क्विंटल गेहूं का दाम 3200 रुपया हो। इन सब बातों को लेके और ये हम फॉर्म किसानों से भरवाएंगे और इन किसानों के फॉर्म भरवा कर आने वाले तहसील दिवस में 3 मार्च को और 6 मार्च को हम कलेक्टर का घेराव करेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। ठीक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।